उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पीएम कुसुम योजना को लेकर आज लोकभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बताया जा रहा है कि प्रदेश में सिंचाई की व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत कुल 22,516 सोलर पंप की स्थापना कराई गई है। इस वर्ष 30,000 सोलर पंप स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने 46,20,00,000 रुपये की व्यवस्था कराई गई थी। इसके साथ ही रबी की फसल में चना, मटर, मसूर की खेती को भी सरकार बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि 70,00,000 मीट्रिक टन से अधिक खाद्य खरीद का लक्ष्य रखा गया है, जो कि 1 अक्टूबर से पश्चिम में धान की खरीदी शुरू होगी। साथ ही 1 नवंबर से पूरे प्रदेश में धान की खरीदी शुरू कर दी जाएगी। जहां नर्सरी का सब्जियों और फलों की नर्सरी तैयार करके किसानों को सुलभ कराई जाएगी, जिससे कि सब्जी का उत्पादन और बागवानी का क्षेत्र हमारा विस्तार हो सके। उसके लिए कन्वर्जन के लिए हम लोगों ने हाईटेक नर्सरी के लिए मनरेगा के साथ 2 करोड़ रुपए उनको उसके लिए हमने जारी किए हैं। 5 करोड़ रुपए गन्ना विभाग के भीतर उच्च गुणवत्ता बीज के उत्पादन के लिए और उत्पादन और किसानों के बीच में हाई क्वालिटी बीज का उन्हें अनुदान उन्हें दिए जाने के लिए, और जो किसान इसको लगा रहे हैं उनके उत्पादन को प्रमोशन के लिए कुछ इंसेंटिव उनको दिए जाते हैं। वो इंसेंटिव